सरफेस इंटीग्रेशन के और सरफेस इंटीग्रेशन के बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन की। तो अगर मैं बात करूं सरफेस इंटीग्रेशन, तो जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दे रखा है 0 से 1 और 0 से 2 अभार xy और dx dy। मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं मेरी तरफ से पूरी जोर लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, आप थोड़ा सा समर्थन करिएगा। तो यहां मुझे दे रखा है 0 से 1 दिया है, 0 से 2 दे रखा है, साथ में दे रखा है मुझे xy और dx और dy, और इसको मुझे सॉल्व करना है, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, इसकी मुझे वैल्यू निकालना है। तो 0 से 1 दे रखा है, 0 से 2 दे रखा है, xy दिया है, dx और dy दे रखा है, तो पहले मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करने के बाद इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, होगा ना, कि भाई पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में और उसके बाद जो टर्म बनेगा, जो आंसर आएगा, उसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में। फिर जब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो x तो आएगा और y भी आ सकता है, लेकिन जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वहां पर मेरा y नहीं आना चाहिए जब मैं सॉल्व करूंगा। अब ये तो बात समझ में आ गई आपको कि इस तरह से कि बैक साइड से क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब इधर से अगर थोड़ा देखें तो यहां जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 0 से 2। भाई पहले मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसकी जो लिमिट बनेगी वो बनेगी कितनी, 0 से 2। यहां से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट बनाते हैं इसे, ये बनता है 0 से 2। मतलब इधर से अगर लास्ट वाला तो इधर से मेरा फर्स्ट वाला। फिर अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसकी जो लिमिट बनाएंगे वो बनाएंगे 0 से 1। भाई पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी जो लिमिट बनाएंगे वो बनाएंगे आप 0 से 2, लेकिन जब आप x के रिस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जो लिमिट बनाएंगे वो बनाएंगे आप 0 से 1। क्या बनाएंगे लिमिट आप इसकी, 0 से 1। तो पहले मैं इंटीग्रेशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में, फिर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट जो है वो 0 से 2 है और x के रिस्पेक्ट में जो लिमिट है उसकी 0 से 1 है। मान लीजिए कभी ऐसा होता 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 2 और इंटीग्रेशन 0 से 3, और यहां मान लीजिए ऐसा जाता dx dy dz, ऐसा कटम बन जाए, तो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 और आ रहा है मेरा x y z dx dy और dz, तो पहले मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा z के रिस्पेक्ट में, फिर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, और फिर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। समझ गए ना कि पहले इंटीग्रेशन होगा z के रिस्पेक्ट में, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट क्या होगी मेरी, 0 से 3। भाई z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा, लिमिट बन गई मेरी 0 से 3। फिर जब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो लिमिट बन रही है मेरी 0 से 2, और जब मैंने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा है तो मेरी लिमिट क्या है, 0 से 1 है, है ना। तो भाई यहां जब करूंगा z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसकी लिमिट बनेगी मेरी कितनी, 0 से 3, उधर से लास्ट, तो इधर से भी लास्ट मान लेते हैं चलिए, तो यहां से करूंगा तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, 0 से 2। जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, 0 से 1 बनेगी। तो पहले मेरी लिमिट 0 से 3 है जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं z के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में तो लिमिट बन रही है मेरी 0 से 2, और जब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है x के रिस्पेक्ट में तब इसकी जो लिमिट बनी है वो बनी है मेरी 0 से लेकर 1 तक। और अगर मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें x आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ वहां पर x और y आएगा, वहां पर फिर z नहीं आएगा। वैसे ही मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है अगर x के रिस्पेक्ट में, तो ना तो मेरा वहां पर y आना चाहिए, नहीं वहां पर मेरा z आना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी तक हम चलिए बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, कि मुझे जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 0 से 1, 0 से 2 और xy dx और dy। अब साहब क्वेश्चन मुझे ऐसा दिया है कि 0 से 1 दे रखा है, 0 से 2 दे रखा है, साथ में मुझे दे रखा है xy dx और dy, तो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x को मैं कांस्टेंट बना रहा हूं। तो देखिए y के रिस्पेक्ट में करा, x को मैंने बनाया कांस्टेंट, तो यहां 0 से 1 को सेम रखा, y के रिस्पेक्ट में करूंगा x मेरा कांस्टेंट बनेगा, तो x तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जब y का इंटीग्रेशन करेंगे तो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, होगा ना, y का इंटीग्रेशन कितना y स्क्वायर बाय 2,
और लिमिट बन गई मेरी 0 से 2, अब वहां चल रहा है कौन dx, बोलिए भाई 0 से 1 को सेम रखा, 0 से 2 था, xy था, तो मेरा x को सेम रखा, y का इंटीग्रेशन कर रहा, तो y का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा y2 by 2 आएगा, और y2 by 2 आएगा, लेकिन जो लिमिट है वो 0 से 2 है। अब 0 से 2 लिमिट है, अब मैं लिमिट पुट करूं तो इस 0 से 1 को सेम रखा, इस x by 2 को सेम रखें, यहां रखेंगे लिमिट तो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और भाग dx। देखिए चेक कर लीजिए, लिमिट आप इस तरह से रखेंगे कि इस x by 2 को आपने बाहर रखा क्योंकि मेरा कांस्टेंट वाला था, तो लिमिट रखे, तो लिमिट रखे मैंने y के प्लस पर, तो यहां तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर फिर माइनस और लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहां रखा मैंने 0 से 1, ये साहब 0 से 1, इस x by 2 को सेम रखें, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस का 0 और ये dx, फिर 0 से 1 सेम रहा, x by 2 को सेम रखें 4 और ये बना dx, इससे यहां पर कैंसिल करूं तो जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो आएगा 0 से 1 और यहां 2x बनेगा, फिर 2 को सेम रखा, x का इंटीग्रेशन x2 by 2 और लिमिट कितनी 0 से 1, फिर इस 2 को भाग करते हैं तो 2 by 2 x2 0 से 1, ये यहां कैंसिल होगा 1 square minus 0 square या 1 minus 0 या फिर हो जाएगा कितना 1, जो मेरा RHS आ जाएगा, हुआ ना। तो भाई इंटीग्रेशन के हमने बेसिक पते हमें पता थी, इसलिए हमें ये क्वेश्चन जो है बड़ा आसान लगेगा, इतना मुश्किल लगेगा नहीं। चले लगे हाथ में से फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि भाई 0 से 1 0 से 2 xy dx dy था, तो xy dx dy था, तो पहले मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट करना है, तो इस x को मैं कांस्टेंट बनाऊंगा, तो 0 से 1 सेम रहा, x को सेम रखा, y का इंटीग्रेशन y2 by 2 होगा और लिमिट बनेगी 0 से 2 और dx। अब इस x को सेम रखा, इस 2 को भाग करा, y2 था, लिमिट रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और भाग बना कितना dx, ऐसे ही होगा। फिर 0 से 1 को सेम रखा, इस x by 2 को सेम रखें, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, साथ में बचा कितना dx। फिर 0 से 1 को सेम रखा, इस x by 2 को सेम रखा, ये 4 माइनस 0 4 बनेगा, जिसे मैं 2 से कैंसिल करूं तो 2x आएगा। अब देखिए मैंने इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और मैंने अभी बताया था आपको कि जब मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो वहां पर मेरा y का टर्म नहीं आना चाहिए, और देख लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, मेरा क्या नहीं आ रहा है, y नहीं आ रहा है, बस मेरे ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि अपन सही चल रहे हैं, अपना जो क्वेश्चन जो करने का तरीका है बिल्कुल अपना सही है, पर अगर मान लीजिए वहां पर y आ जाता तो फिर क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो शायद मैं गलत जा रहा हूं, बस मेरे ना कि भाई मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप किस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि भाई कहां आप गलत हैं, है ना। तो यहां देखिए 2x था तो 2 को सेम रखा, x का इंटीग्रेशन x2 by 2 और लिमिट 0 से 1 है, फिर इस 2 को मैंने बाहर करा तो ये 2 by 2 होगा, x2 होगा, 0 से 1 होगा, ये तो इससे कैंसिल हुआ, लिमिट पुट करें और मेरा 1 आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करें, इसे मान लीजिए मैं हटा दूं, आप कॉपी कर लीजिए, इधर जैसे क्वेश्चन मेरा इस तरह से आ रहा है 0 से 2 और 0 से 3, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ रहा है 0 से 2 और 0 से 3, यहां x2 plus y2 और भाग dx dy, ऐसा भी क्वेश्चन है। और जब ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है जिसे मुझे तो लिखा है 0 से 2 0 से 3 और साथ में x2 plus y2 और भाग dx और dy, तो चलिए पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए, है ना, आप ट्राई कर लीजिए, आप कोशिश कर लीजिए, फिर मैं कहता हूं। तो 0 से 2 0 से 3 x2 plus y2 भाग मुझे dx dy दे रखा है, तो पहला इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में होगा तो x का जो टर्म है वो मेरा कांस्टेंट टर्म बनेगा कि पहले मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो मेरा जो x जो है वो मेरा कांस्टेंट होगा, तो एक कांस्टेंट होगा तो यहां पे क्या होगा x2 कांस्टेंट है तो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना y आएगा कि भाई मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x जो है मेरा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है तो इस x2 को मैं अगर कांस्टेंट बनाऊंगा तो साथ में आएगा ना x2y, फिर प्लस ये रहा प्लस,
y स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये तो मेरा y क्यूब बाय 3 होगा और लिमिट बनेगी 0 से 3 और भाग dx बना। अब देखिए 0 से 2 को बिल्कुल सेम रखें, यहां इसकी लिमिट पुट करें तो लिमिट रखेंगे तो x स्क्वायर 3 होगा प्लस 3 क्यूब बाय 3 होगा और भाग फिर बचा कितना, ये तो आपको लिमिट रखें, फिर माइनस लोअर लिमिट रखें तो x स्क्वायर और 0 प्लस 0 क्यूब बाय 3 और ये मेरी लोअर लिमिट हो गई। चेक कर लीजिएगा कि भाई पहले मैंने क्या करा था, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा तो इसका हो जाएगा मेरा x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो y क्यूब बाय 3 होगा, लिमिट बन गई इसकी मेरे 0 से 3 और वहां dx। अब मैंने लिमिट रखी है, लिमिट रखी है तो x स्क्वायर को सेम रखा है, y को मैंने 3 रखा फिर प्लस यहां रखा मैंने 3 क्यूब बाय 3 फिर माइनस लोअर लिमिट रखें तो 0 और 0 और ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 तो सेम रहेगा, यहां कितना आएगा 3x स्क्वायर फिर प्लस यहां 1 3 से 3 का तो कितना 9 आएगा, फिर यहां रखें तो ये भी 0 होगा वो भी 0 होगा सब कैंसिल बचा सिर्फ कितना dx होगा ना। तो अब देखिए मैंने इंटीग्रेशन करना है अब x के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो यहां पर क्या नहीं है, y का टर्म नहीं है, है ना। याद करिए मैं आपको शुरुआत से बोलता आ रहा हूं कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो वहां पे मेरा y का टर्म नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि नहीं भी आ रहा है तो अपना क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आता तो फिर अपन कुछ और सोचते, वो अपन आगे करेंगे, पर अभी आप इतना याद रखिए कि जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में तो वहां पे मेरा y का टर्म नहीं आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तब आप आगे बढ़िए, तब आप सोच लीजिए कि आपने क्वेश्चन को सही किया है। तो यहां देखें तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 0 से 2 और x स्क्वायर प्लस 3 और बाहर चला तो dx ऐसे ही होगा। अब इस 3 को बिल्कुल सेम रखें, यहां सॉल्व करो तो आएगा x क्यूब बाय 3 फिर प्लस 3 का इंटीग्रेशन तो 3x और लिमिट हो गई 0 से 2। चलिए 3 को सेम रखें, अब मैं यहां पर लिमिट पुट कर दूं, जब मैं यहां पर लिमिट पुट करूंगा तो 2 क्यूब बाय 3 प्लस 3 इनटू 2 तो साथ में कितना है 0 है, यहां 8 अपॉन 3 और प्लस का 6 हो जाएगा होगा ना, फिर अपॉन में 1 यहां रखा तो 3 को सेम रखा एलसीएम निकाला 3 आएगा, यहां बचा 8 और ये हो जाएगा कितना 6 इज 18 या 3 को सेम रखें ये होगा 26 और अपॉन 3 इस 3 से 3 कैंसिल और यहां बचा कितना 26 बनेगा जो मेरा आंसर हो जाएगा होगा। तो क्वेश्चन में जो अपन ने पहला तरीका अपनाया था, जो अपन ने पहले करा था अपने क्वेश्चन को उसी तरीके से आगे बढ़ाया कि भाई पहला इंटीग्रेशन कर दिया मैंने y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करने के बाद मैंने इसका इंटीग्रेशन करा x के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं x को कांस्टेंट बना रहा हूं, तो मैंने वही किया था x को मैंने कांस्टेंट बनाया था तो इस x स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, y का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, फिर y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 से 3 बन गई, फिर 0 से 2 को सेम रखकर मैंने y की प्लस पर लिमिट पुट कर दी तो एक बार रखा मैंने 3 फिर माइनस और एक बार रखा मैंने 0, जब मैं 0 रखूंगा तो पूरा टर्म मेरा हट रहा है कोई मतलब नहीं इस टर्म का, तो है ना, तो बचा मेरा 3x स्क्वायर, लेकिन यहां 3 से 3 कैंसिल हुआ था तो बचा मेरा सिर्फ 9 था, फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, और मैंने चेक भी करा कि जब मेरा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वहां पर मेरा y का टर्म नहीं आना चाहिए, तो देख लीजिए वहां पर y का टर्म नहीं आ रहा है, फिर मैंने इंटीग्रेशन करा तो 3 को मैंने बाहर कर लिया बचा मेरा 0 से 2 और x स्क्वायर प्लस 3, फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा तो आ गया मेरा x क्यूब बाय 3 प्लस 3 को सेम रखा और x का इंटीग्रेशन या dx का इंटीग्रेशन x होगा, फिर लिमिट 0 से 2 है इस 3 को सेम रखा लिमिट रखी 8 बाय 3 लिमिट रखी तो 6 हो जाएगा, ये रहा 6 अपॉन में 3 था, इन दोनों का मैंने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना 3 आएगा, बड़े बेसिक सी बात है ये तो हम कर लेंगे, तो यह 3 आया पे मल्टीप्लाई करा 8 और ये हो जाएगा 18 प्लस करा 26 बाय 3, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया तो क्या गया 26 आ